जैसे कि ये जोहर असर का अगर आप नमाज मिला रहे हैं, तो जैसे कि जोहर का ये 10 रिकाते और ये असर का 8 रिकाते, तो अगर दोनों मिला के अगर हम नमाज पढ़ें तो हमको फिर कितना रिकात, ये कितना रिकात पढ़ना होगा जी? मिला के कब, यानी सफर में? जैसे कि अगर दो, जी, जैसे सफर पे अगर हम, तो देखिए, अगर आप सफर में हैं और जोहर असर को जमा कर रहे हैं सफर की वजह से, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सफर में सुन्नते मुअक्कदा नहीं पढ़ना है। जो जी नमाज से पहले या नमाज के फर्ज नमाज से पहले या फर्ज नमाज के बाद की जो सुन्नतें होती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सफर में उन्हें नहीं पढ़ते थे, सिवाय फजर की सुन्नतों के। जो फजर की 2 रकात सुन्नत है, सिर्फ उसी को सफर में पढ़ते थे, बाकी फर्ज नमाज पर इक्तिफा करते थे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर भी नहीं छोड़ते थे। तो वितर को और फजर की 2 रकात की सुन्नतों को छोड़ करके सफर में और कोई सुन्नते रातिबा नहीं पढ़ना है, ना पढ़ना ये सुन्नत है। तो अगर आप सफर में हैं तो जो है 2 रकात आप जोहर पढ़िए, 2 रकात असर पढ़िए, और जो सुन्नतें हैं जोहर की उसे आपको नहीं पढ़ना है। और ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि ना पढ़ना सुन्नत है। बहुत सारे लोग जज्बाती बातें करते हैं कि भाई वो सुन्नत है, उसको कैसे छोड़ दें, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से करना सुन्नत होता है, उसी तरह ना करना भी सुन्नत होता है। अल्लाह के रसूल ने जहां किया है वहां करना सुन्नत है, जहां पर नहीं किया है वहां ना करना सुन्नत है। तो सफर की हालत में सुन्नते रातिबा ना पढ़ना ये सुन्नत है। हां, अगर आप सफर की हालत में नहीं है, आप घर में हैं और किसी उज्र की बुनियाद पर जी आप जोहर और असर को जमा कर रहे हैं, जो कि मुमकिन है, हो सकता है तेज बारिश हो रही हो, जिसकी बुनियाद पर आप जो है जोहर और असर को जमा कर रहे हैं, तो जब आप सफर में नहीं है, घर में हैं, हजर में हैं और जोहर असर को जमा कर रहे हैं, तो यहां पर आप सुन्नतों को पढ़ेंगे। जोहर में 4 रकात पहले पढ़ेंगे सुन्नतें, फर्ज पढ़ने के बाद में फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, और असर में कोई सुन्नते रातिबा नहीं है। अलबत्ता असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है, वो सुन्नते रातिबा के अलावा है। बाज हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम अल्लाह इमरान सल्ला अरबान कबल अल असर औ कमा कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असर से पहले 4 रकात नफिल नमाज पढ़ना, इसकी फजीलत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि हदीस में बयान किया है, लेकिन ये सुन्नते रातिबा नहीं है। तो अगर आप हजर की हालत में दोनों नमाजों को जमा कर रहे हैं, तब तो आप सुन्नतें पढ़ेंगे, लेकिन अगर सफर में जमा कर रहे हैं तो सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे।